राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अगर आप गाड़ी चलाने के लिए निकल रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। अगर आपने अपनी गाड़ी या अपना टू व्हीलर बस लाइन में चलाया तो आपको 5,000 से लेकर के 10,000 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से पब्लिक नोटिस जारी किया गया है जिसमें बस लाइन यानी जो बसेस है और हाई मोटर व्हीकल हैं वो सिर्फ बस लाइन में ही चलेंगे, इसके अलावा किसी और लाइन में चल नहीं सकते हैं। ये आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के जो टीम है वो दिल्ली के सड़कों पर मौजूद है और लगातार जो बस लाइन है उसमें सिर्फ बसेस को चलने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। इसके अलावा अगर कोई टू व्हीलर या गाड़ी इस लाइन में चलती है तो उसको बाकायदा समझाया जा रहा है कि आप इस लाइन के अंदर जो है वो बसेस और अपनी गाड़ियां जो है वो ना चलाएं। इसके अलावा बस लाइन में सिर्फ बसेस चलेंगी और जो बाकी की लाइन्स हैं उनमें सिर्फ गाड़ियां और टू व्हीलर ही चलेंगे। अगर इसके अलावा अगर बात की जाए टू व्हीलर की लाइन में अगर बसेस चलती हुई जाती हैं तो उनको भी जुर्माना भुगतना पड़ेगा 5,000 से 10,000 रुपये का, और ये जुर्माना सीधे तौर पर ड्राइव करने वाले ड्राइवर के ऊपर ही लगाया जाएगा। 91% आलोक दास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।